प्रिंसिपल ने जा कहा है कि हम हमारे कल तू डॉक्टर नहीं बन सकता। पचास साल के बाद ये लड़का निकला है, पचास साल तक अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना हमारे यहाँ ऐसे एम्स का। कि हमको पापा जाति का बहुत ही ज्यादा हमें दर्द है और हरिजन के नाते अपन को जो है हमें प्रोफेसर लोग लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। बोले ये बोलता था कि अगर हम यहाँ से पढ़ लग जाएंगे तो हम इंडिया छोड़ देंगे, हम विदेश में रहेंगे। हमको यहाँ कहीं जाना इसी आ रहे हैं। बोलो प्यारो बेटा हो नहार को भरवा डालू जी से लगती हूँ। सब लोगों ने अपने पैसा लगा लगा के और लोन निकाल के दुनिया की सब में तारे 2,500 रूपए पट्टी मिला तो इनमें भी लगाए, हमने भी लगाए, सब चलो दी गए। अब जो है जानते कि कहाँ हो जाए। कभी बाबू कुंड आपको बताया नहीं कि तुमको क्या परेशानी है, क्या बता पहले से लोग टॉर्चर कर प्रोफेसर लोग सभी इसको टॉर्चर कर पहले साल से। हाँ पहले साल से कि यहाँ आरक्षण लेके आ गए हैं, ये हरिजन आदिवासी जी कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा बोलते थे उस बच्चे को। अच्छा। सीधे बोलते थे। हाँ सीधे बोलते थे। हमने इनमें से बोला कि तुम प्रिंसिपल से कुछ कह दो जाके कि हमारे लड़का को न कायदा हो, कम से कम हमारे लड़का को पढ़ लेने दो अकेले, हमारे लड़का को तुम बोलो लड़का बोलो। कल नहीं नहीं मैं पढ़ के वो करूँगा मैंने पास करूंगा, तुम बोलना नहीं, नहीं तो मुझे 6 साल की पढ़ाई बर्बाद कर देगा। अच्छा। जी रुक गए जी लोग, हम इनको देते रहे कह रही थी कि लड़का को दिमाग सही नहीं जाओ के तो आज प्रिंसिपल तकलीफ जाए तक। प्रिंसिपल ने जा कहा है कि हम हमारे कल तू डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ कौन प्रिंसिपल के नाम आनंद कहा उन्होंने, आनंद आनंद बोला कल तू नहीं है डॉक्टर बनने का, वो तू डॉक्टर बन नहीं सकता। सुन ने की क्यों नहीं बन सकता, कल तू नहीं बनता तेरा दिमाग नहीं है बनने ला, और कल तू हरिजन आदिवासी कहाँ कहाँ से चले जाते हैं पढ़े लिखे कुछ है नहीं है, वो कल कहाँ से आ जाते हैं। कई लड़का को सुबह हमें घर है बताऊ था, जब बालक हमारे यहाँ घर में आता था तो बताता कि टीचर लोग हमसे जो है घृणा रखते हैं, हमको प्रश्न का उत्तर बताने में संकोच करते हैं और टॉर्चर करते हैं कि ये अशुद्ध है जिनको जरा पीछे रखो तुम आगे मत बोला करो, ऐसा उनकी जबान बंद कर देते थे। बोले पापा जी ऐसा बोलते हैं हमको, तो हमने कहा बेटा इस पर हम तो कुछ कह नहीं सकते तुमको और ऐसा भेदभाव वहाँ नहीं होना चाहिए। हमने कहा भाई ऐसा है कि तुम अपने पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ो तो तुमको पसंद करेंगे ज्यादातर, तो उसने कहा ठीक है। जब भी घर आता था जब भी बताता कि मेरे को यहाँ टॉर्चर करते जाति के नाम उनसे, कुछ 5 प्रोफेसर थे, 5 लोग परेशान करते थे उसको, एक की बात नहीं हुआ। हाँ। कौन कौन 5 थे? अब नाम तो बाल मुकुंद ने बताया। हाँ बाद में बता देते, बाल मुकुंद ने कभी बताया वो? हाँ बताए थे। कौन किस सब्जेक्ट के या किस विषय के हो, किस चीज में वो परेशान करते थे? वो तो प्रैक्टिकल में ज्यादातर परेशान करते थे, प्रैक्टिकल में सबसे कम नंबर देते थे, सबसे कम नंबर दिया करते थे। हाँ कम नंबर देते थे हमें ये बताया कि हाँ भैया ने बताया था हम लोग, बल्कि हमने ये कहा कि भैया अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम तो उनके विरुद्ध जरूर रिपोर्ट करेंगे। हाँ नहीं दीदी और रिपोर्ट नहीं अपन को करना है, क्योंकि नहीं तो हमारी 6 साल की जो पढ़ाई है वो खराब हो जाएगी, नहीं तो हम तो अगर वो आज होते तो वास्तव में हम उनके विरुद्ध अगर रिपोर्ट करते तो हम ही लोग जीतते और उनको पूरों को जरूर सजा मिलती, ये बात है।
जैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उनके स्टूडेंट करते ना फोन, उनके प्रोफेसर करते ना फोन, कोई तो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्म करता हम लोगों के लिए कि इसकी तबीयत ऐसी है, है ना। आपको कोई इन्फॉर्मेशन कुछ, अगर हम लोग जैसे इतने गरीबी से उठे हुए हैं, बहुत मेहनत से उनको पैसा इतना लगाया था, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि IIT में भी उनने क्रॉस किया था, उसका ऑल इंडिया में 8वां स्थान था उसमें भी, और वेटनरी की में भी उन्हें 6 माह उन्हें वेटनरी भी कर ली थी, और वहीं पर रहते हुए भी उन्हें टेस्ट दिया था जो एम्स का, तो उसमें निकल गए थे, और CPMT में निकल गए थे MBBS उसी साल, उसी तीन परीक्षा उन्हें क्रॉस की थी, होशियार थे वो, और अभी वो कलेक्टर की तैयारी कर रहे थे। अगर उन्हें आत्महत्या करनी थी तो उन्हें 10 ही दिन बाद उन्हें 15,000 की किताब जो है की खुली नहीं है भैया पैकेज में, तो छठे से बार बार हम नवोदय उनके बारे में कितना परसेंट आया था बारे में था उनका 64 नहीं ज्यादा हाथी 78% अठहत्तर परसेंट राष्ट्रपति ने पुरस्कार राष्ट्रपति ने दिल्ली से भिजवा दो होता देखो ये सब पूरी किताब ही किताब देखो पूरा 86 पढ़ा वो पेन जैसे ये पढ़ा ना बस ऐसे पूरी कमाई इन्होंने बच्चे के उसमें लगाई। अच्छा जो बोल रहे थे कि कोई शासकीय कानूनी कार्रवाई नहीं करना, अदालत नहीं जाना, और जो संभव सहायता हो सकेगी वो हम आपको प्रदान करेंगे। अदालत मत जाना बोले। हाँ बोले अदालत मत जाना, बहुत ही सुंदर लगा मुझे, अदालत नहीं जाना, उसको जो भी संभव सहायता हो सकती वो हम अपने विभाग से दिलवाएंगे आपको, ऐसा बोल रहे हैं। कौन दिन है मैडम? डॉक्टर रानी कुमार। अच्छा हाँ नहीं तो अदालत क्यों नहीं जाना, मतलब ऐसा आपने बोला था कि मतलब जाएंगे? नहीं हमने तो नहीं बोला, बोले आप कोई कार्रवाई न करना, और जो भी हो संभव सहायता हो सकेगी वो सहायता हम दे देंगे, या हम तुम्हारे छोटे बच्चे को कुछ आपको BSc करा देंगे तो इससे भी कहीं रोजगार लग जाएगा। हम लोगों ने तो हमारा बच्चा तो कर ही रहा, हमको तुम्हें पैसे चाहने हो तो हम छात्रों से जोड़ के पैसे दे, हम की हमें का करने पैसा हमारे रानी कुमार आपको पैसे चाहने हो तो हम छात्रों से हमने की हर छात्रों को खा के काम आए, हमें इजाजत हमारा तो लड़का करोड़ों पर चलते है, और तो कुछ नहीं आपके लिए हो सकती है मदद, और इतने भी कर सकते हैं, और आप तो मांगे कार्रवाई मत करना ऐसी भी कह दी, और तुम कल पैसे लगाओ लगाओ मर जाओगे और तुम्हें कुछ फल मिलेगा दिन कि तुम्हें फल कुछ मिलेगा नहीं, और तुम ऊपर कार्रवाई मत कराना, और तुमने हाई कोर्ट जाना है। इधर तो हम लोग स्थिति देखने गए लोग के ऐसी सोसाइटी के, तुमने पूरी देख ली, गए लोग गरीब है कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए वे लोग हम लोग यहाँ दबाना चाह रहे हैं कि ये लोग दब जाए, ये लोग कार्रवाई ना करें कुछ। कितनी 50 साल के बाद ये लड़का निकला आया, 50 साल तक अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना हमारे यहाँ, ऐसे उसका कि आप वहाँ जहाँ पे एससी कास्ट के लड़के रहते हैं कमरों में उन्हीं के पास आप रहिए, अलग से जगह। हाँ अलग से, पहले 27 नंबर कमरा था। अच्छा और फिर उसको 22 नंबर कमरे में कर दिया गया। अच्छा वहाँ सारे एससी के बच्चे रहते हैं? हाँ वहाँ एससी के बच्चे रहते हैं, SC ST के बच्चे। हाँ लिखित में शिकायत प्रोफेसर से नहीं की किसी से, क्योंकि उसको डर था कि अगर हम आज शिकायत करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये मुख्य कारण था उसका। इस कारण से किसी भी प्रोफेसर की शिकायत नहीं की उसने, और घर में जरूर बताता था कि हमको पापा जाति का बहुत ही ज्यादा हमें दर्द है, और हरिजन के नाते अपन को जो है हमें प्रोफेसर लोग लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। हाँ इस कारण से बोले आप हमारी जाति अगर बदलवा दे तो बहुत अच्छी बात। प्रोफेसर एक नहीं जितने पढ़ाते सभी लोगों से घृणा रखते थे, ये मुख्य कारण था। हाँ क्लास में बिल्कुल जस्ट क्लास में उसने जब क्वेश्चन के आंसर दिए और उसने बताया तो उसने बोला कि भाई तुम हरिजन हो अछूत हो, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते कभी, ये कोटा पा करके ही तुम आ गए यहाँ,
अगर कोटा ना होता तुम लोगों का आरक्षण ना होता तो तुम यहाँ तक नहीं आ सकते थे। कौन बोला है? ये प्रोफेसर बोलते थे। बहुत बार हुआ ऐसा? हाँ कई बार ऐसा हुआ, कई कई प्रोफेसर लोगों ने बोला ऐसा। कई बार किया होगा तभी तो वो चेंज करना चाहता था। तभी तो चेंज करना चाहता था, जाति परिवर्तन का इसलिए करना चाहता था कि अगर हम जाति अगर चेंज नहीं करते हैं पढ़ नहीं पाएंगे तो हम मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे जाति बदल जाएगी तो हम बोले हम आगे बढ़ लेंगे और सब लोग हमको पसंद करने लगेंगे। बोले ये बोलता था कि अगर हम यहाँ पढ़ लग जाएंगे तो हम इंडिया छोड़ देंगे, हम विदेश में रहेंगे, हमको यहाँ खरीदना एशिया में। हम पढ़ लग इंडिया में नहीं रहेंगे, आगे छूत में नहीं रहेंगे, हम तो विदेश जाएंगे, हम यहाँ तुम सबको ले चलेंगे, अपने यार प्लेन से घूमेंगे। पापा तुम चिंता ना करो, हम कर्ज करके उधार करके जैसे बना तैसे हम पैसा जुटाते हैं बच्चे का, आगे बढ़ने चाहते हमेशा। हमारी आशा सब पानी फिर गया, हम किसी के लायक नहीं रहे, जीने के लायक नहीं रहे, केवल हमारा शरीर भर है, आत्मा हमारी चली गई है, हम तो जीने लायक नहीं है। अगर हमको ये फैसला नहीं मिला अगर हमें तो हम भी वहाँ फांसी देंगे, हमको इस धरती पर नहीं रहना। हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हमको न्याय मिलना चाहिए शासन से, अगर न्याय नहीं मिलता तो हम भी मरेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है साहब। क्योंकि हमको जीने लायक यहाँ कुछ छोड़ा ही नहीं है, ना हमारे पास कुछ बाकी रह गया है जीने के लिए, हमको जीने के लिए हम बेइज्जत हो गए भाई। क्या है हमारी तो पोजीशन जो भी थी, आज जो कुछ भी हमने कमाया साहब हमने बच्चे में लगा दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा लगाने के लिए, जीने के लायक नहीं कुछ बचा हमारे पास, कैसे हम समय काटे हम? और पढ़ाना है सब बुलाई थी नहीं, छोटे बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएंगे? पापा तुमने कहा कि जाति में जन्म ले लिया है तुमने, हमें जाति में पटाखा है, हमने की जाति में तो तुम पैदा हुए हो तो कहाँ जाओगे हैं? जाति थोड़ी बदलती है, जाति बदलो नहीं बेटा, जैसे पढ़ो जैसे भी हो सकता है पढ़ो। तो आप कहना चाह रहे थे कि बाल मुकुंद की कमी तो हम लोग नहीं पूरी कर सकते हैं जी, लेकिन अब आप बताओ कि हम क्या करें, आपको कैसे हम आप सपोर्ट करें? तो हमारा इसके पीछे यही कहना है कि हमको सभी हरिजन मिलकर के एक यूनियन बनाए कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ जैसी घटना हमारे बच्चे के साथ हो चुकी, ऐसी भविष्य में हमारे किसी भी बच्चे के साथ ऐसी घटना ना हो और वे स्वतंत्र पूर्वक पढ़ सकें। नहीं तो ऐसी स्थिति जहाँ पर जाति भेदभाव है, ऐसी स्थिति में हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो हमको निश्चित है कि ऐसी खतरा हमेशा होता रहेगा, ये खतरा नहीं होना चाहिए, इसके लिए स्वतंत्र रूप से पढ़ाई होना चाहिए हमारे। आपका जो दूसरा बेटा अभी जो कर रहा है बीएससी जी, उसने कभी बताया है उसके साथ क्या होता है? हाँ उसने छोटे बच्चा का तो ऐसा है कि वो भी ऐसा बोलता है लेकिन छुपा के रखता है, वो भी छुपा के रखता है वहाँ पे। हाँ मंदसौर में है, हॉर्टिकल्चर तो वो भी जाति छुपा के रहता, जाति छुपा के रखता है, तब वो वहाँ पर रह रहा है। उनके बाद आपको डर नहीं लगता है छोटे बच्चे के लिए? बिल्कुल डर लगता है साहब, पढ़ाने में हमको ये डर लगता है 24 घंटे, हम सुबह शाम दोनों टाइम हम फोन करते हैं बच्चे के लिए। तो अगर उसका एडमिशन जैसे एम्स जैसी जगह पर हो जाएगा तो भेजेंगे आप? नहीं भेजेंगे साहब, एम्स जैसी जगह पर होता भी है फिर भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक बालक हम खो चुके हैं, हम दूसरा बालक नहीं खोना चाहते, हम छोटी पढ़ाई से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, छोटी सर्विस में ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, ये है हमारे विचार। इस पर हम तो ये सोच रहे कि जहाँ भी संस्थाएं हैं जाति को लेकर बहुत ही ज्यादा ऐसा भेदभाव हो रहा है हर जगह, हम तो गए हमारा तो भाई चला गया, लेकिन हम जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है हमें लगता है कि वो भी सही न्याय नहीं है, न्याय में नहीं चल पाएंगी, हमारे साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। हमारे पिताजी को इतनी वेतन नहीं मिल पाती थी और भाई लोग को ऐसे पैसे मतलब उनको चाहिए पड़ते थे तो हम कह देते थे कि भैया हमारे पास वेतन जितनी है सो आप ही ले लो, क्योंकि पापा के पास 3-3 माह वेतन नहीं मिल रही है, तो उस अवस्था हम उनके पास ही रहते हैं पिताजी की, तो हम ही उनकी सहायता करते रहते थे, हम अपने ससुराल में कभी पैसा नहीं दिया, अपने भाई को ही कहते थे कि भैया आप 4 साल बचे हैं या 3 साल बचे हैं या 6 माह बचे हैं, ऐसा करते करते जैसा ही एंड टाइम आया और बस हम लोग को छोड़ के चले गए। इस प्रकार से हम बहुत ही मुसीबत में हर समय उनकी दिक्कत में हमने पैसा दिया है और वैसे सहायता की, मानसिक तौर से भी बहुत सहायता की है, वो फेल होते जैसे उनने जबरदस्ती उनको फेल किया तो भी हमने बहुत सख्त भावना उनको दी कि भैया आप
अपन लोग के साथ जो हो रहा है अब उसके साथ क्या कर सकते हैं। आप कहो तो रिपोर्ट भी करें, लेकिन वो कहते थे रिपोर्ट नहीं करना, हमें किसी के साथ कभी बुरा नहीं करना है, ये कह रहे थे वो। कौन से हम लोग की कम से कम आधा आधा घंटा भी बात चलती थी, तो वो ये कहते थे कि हमको टेंशन इस बात का ही है कि अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अपने इस जाति का क्यों बनाया गया है, भगवान ने हमें क्यों इस जाति में जन्म दिया है कि हमें इतना प्रताड़ित होना पड़ता है। कसम सवर्ण के होते, ऊंची जाति के होते तो लोग हमें इतनी हीन दृष्टि से नहीं देखते, ये बोल रहे थे। और हमें अपना सरनेम भी चेंज करवाना है, क्योंकि उनके जो प्रोफेसर थे वो बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, और उनके यहाँ ऐसा चलता भी होगा जाति भेद के बारे में। जाति भेद के बारे में तो हर एक जगह चल रहा है, इसलिए उनका सर्विस करते हैं, क्योंकि जाति भेद को हमारे भाई क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आप क्या करते हैं? आप भी यहीं पे आ जाएं, बगल में बैठ जाएं। आप उनकी चाची हैं? हम चाची हैं संविदा में। तो आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम हमारी दमोह में है पोस्टिंग, नरसिंहगढ़ के पास प्रभाव की, तो वहाँ भी है, वहाँ भी हम लोगों को चाय नहीं दी जाती है। जैसे कभी जाते हैं भाई जफर, तो वहाँ भी दमोह में भी हम लोगों को चाय नहीं दी जाती, तो हम तो आज तक वहाँ की चाय पी भी नहीं है जाति के प्रभाव से। ही गरीबी से स्थिति में हम लोगों ने इतने ऊंचे उनको इतनी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया, लेकिन लोगों के कारण हम लोग तो बर्बाद ही हो गए हैं। उन्हीं के ख्वाब देखते थे हम लोग सभी के, चलो जी भैया पर लग गए तो हमारे भी दो बच्चे हैं और भी है, तो चलो हम लोगों का सहायता मिले। मैं ख्वाब देखते देखते उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया सर, बहुत ही गलत किया, हम लोगों की पूरी इच्छाओं पर पानी फेर और दिया। वो लोग कहते हैं कि अपना भारत महान है, लेकिन महान बिल्कुल नहीं, प्यासे भी रहना पड़ता है तो भी हमें कोई, हम किसी दूसरी जाति वाले से पानी नहीं ले सकते हैं। अभी भी ऐसा है जो 50 साल पहले था उससे भी कहीं बुरी अवस्था में हम अभी भी हैं। अब हैं और जा। अब क्या उसमें सुधार क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सुधार। जहाँ हम सर्विस करते थे वहाँ भी लोग डिस्पोजल में चाय दी जाती है, कभी कांच की कप में नहीं दी जाती है चाय। मरने से पहले अब लास्ट बार हाँ लास्ट बार मेरी 4 फरवरी को हुई थी बात, 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में 2/22 और हॉस्टल में रहा हूँ मैं उसके पास में साथ में जी जी जी। तो क्या बोलता था वो? ये बोलता था कि चाचा हमको, मैं तो ये कह सकता हूँ कि शायद मैं माफ़ी मांग लेता, उसका चाचा माफ़ी मांग लेता के आनंद से, तो शायद मेरा लाड़ला नहीं जाता, हमसे अलग नहीं होता, हमारे बीच कलका ही मारता है यहाँ पे होता। कि उसने कहा था कि मुझको जो मेडिसिन के सब्जेक्ट उसमें मैं पास हो गया हूँ, और जो ना पढ़ने वाला बेचारे सीसीएम डोसा मुझे जानबूझकर फेल कर दिया जाता है, बार बार फेल कर दिया जाता है। तो वो कहने लगे कि मेरी से प्रोफेसर महोदय जी से आनंद सर से बहस हो गई है कमरे में, पढ़ाई के हॉल में बहस हो गई है। तो यदि उसने कह दिया था उसी दिन कि तू कितना ही पढ़ ले, लेकिन तू MBBS करके डॉक्टर नहीं बन सकता है, और वो मुझे बार बार सेल करते हैं, और एक बार दो बार क्या पढ़ें उसमें क्या लिखें, जो है वैसा मैं लिख देता हूँ लेकिन फिर भी बार बार फेल कर देते हैं, तो अब मैं क्या करूँ। इसने इस चीज से परेशान था कि चूंकि हम लोगों की परिस्थिति दयनीय है, तो उसे बार बार घर की संगत, इसलिए कि हम लोग पैसे बड़ी मुश्किल में उसको जुटा पाते थे और करीब 6 साल हो गए रहते, तो उसे ये लगता था कि इसमें एक तो मेरे घर में परेशानी, मैं बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाता तो आगे बढ़कर अपने घर परिवार को संभाल लेता, ये उसको थोड़ी सोचता था। लेकिन हमने पैसे की कमी नहीं आने दी, कहीं से भी हमने कर्ज लेकर के बैंकों से, सरकारी बैंकों से, प्राइवेट लोगों से पैसा ले लेकर उसे, मतलब पैसे की कमी नहीं आने दी। उससे कहा कि नहीं तुमको पढ़ना है, जाति छोड़ने की बात करता था उस टाइम पेपर लेकर। हाँ हाँ, उसने इतनी कोशिश की, यहाँ तक कि उसने नाम बदलने की कोशिश की, और वहीं दिल्ली कोर्ट से उसने स्टाम्प पेपर भी लिया, उसने नाम सृजन कुमार लिखा है, उसने बाल मुकुंद के स्थान पर सृजन कुमार, उसे बहुत परेशान किया जाता था जाति के नाम पर। तो दोस्तों के बारे में बताया उसने अपने? हाँ दोस्तों के बारे में बताते थे कि कोई मुझे नहीं पूछता है, परेशान रहता था अपने आप में, घुटता रहता था। वो तो कलेक्टर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम से कम समय निकालना चाहता था, दिल्ली में रहना चाहता था। सर मैं तो ये कहता हूँ अपनी समझ से कि जब हमारा जो है भतीजा बालक बाल मुकुंद 28 तारीख को इसका स्वास्थ्य खराब था, भर्ती बना रहा एम्स में, क्या हमको फोन नहीं लगा सकते थे परिवार वालों के लिए? भर्ती बना रहा, हमको नहीं मालूम कि कितना परेशान रहा है, अकेला रहा है, हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई, हमको तो जब बुलाया बोले तो तबीयत खराब है,
और जब 3 तारीख को खत्म हो चुका था, वह न्याय चाहते हैं, नहीं तो हमारा एक बालक मरा तो हमारा क्या होना है, हम भी जाके कल मर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों के मन है शायद हमारी संख्या कम हो जाए, हरिजन लोगों की संख्या कम हो जाए तो उनको जाना अच्छा लगेगा भाई। जानबूझकर उसको फेल कर दिया जाता है पढ़ने में, जबकि हमारा बालक टैलेंट था, उसने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया था नवोदय विद्यालय से, जिसमें उसके 82% अंक है, उसका सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास रखा है, उसने कई प्रतियोगिताएं पास की हैं। IIT टेस्ट पास किया उसने 7वें नंबर में, वो एम्स में गया था, मतलब हर जगह उसने पास हुआ, इसलिए हम लोग खर्चा लगाते रहे। नहीं नहीं तो अब क्या बता दें भाई, हमें तो ये लग रहा है कि हमारा छोटा भाई है वो भी बाहर पढ़ता है, ऐसा नहीं हो उसके साथ भी ऐसा हो, या हमारे आने वाले और भी भाई बहन है चाचा लोगों के उनके साथ भी ऐसा हो, तो हम तो न्याय चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसे इतनी घृणा थी कि वो ये सोचता था कि मेरी जल्दी से जल्दी MBBS हो जाए और मैं स्वतंत्र रहने लगूं, एम से हट करके अपना निजी व्यवसाय बना लूं। उसने कोशिश की और अच्छे लोगों से संबंध भी रखे, वो कहता था हमसे बार बार कि चाचा चमार होने से हम कैसे हो गए, भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ी गलती की है, ना इंसाफी की है, मैं तो चमार बनना ही नहीं चाहता, भारत की तो बहुत हालत खराब है, यदि मेरी MBBS होगी मैं डॉक्टर बन गया तो मैं अपनी समस्त फैमिली को लेकर के विदेश में चला जाऊंगा, यह कहा था उसने। अब हम इस चीज के लिए इंतजार करते हैं शासन की तरफ कि हमको न्याय कब मिलता है, जबकि आज 1 अप्रैल है, आज दिनांक तक हमें किसी प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह नहीं मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली। पुलिस वाले भी तो सही नहीं लिखते हैं, कुछ बोलवाते हैं कुछ लिखते हैं सर, और हमारे भाई का मानसिक संतुलन था खराब, मुकुंद के पिताजी का मानसिक संतुलन खराब हो गया था, चूँकि जमान बच्चा चला गया तो उनने तो दस्तखत करवा लिए गए आप दस्तखत डाल दो, उसने अपने मन का लिख दिया है, एम्स की जो पुलिस आई थी उसने अपने मन का लिखा है कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, ये बिल्कुल गलत लिखी है। अच्छा उन्होंने लिखवा लिया है कि हाँ उन्हीं ने अपने हाथ से लिखा है, स्वयं ने अपने हाथ से लिखा है क्या कि मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, मैं कैसे इस चीज के लिए स्वीकार कर सकता हूँ गिला शिकवा नहीं है, मुझे तो है वो एम्स से